ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग आईसीएसई क्लास 8 लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का जितने भी चैप्टर्स है उसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ओके, और आप चाहे तो मेरे वेबसाइट में जाकर भी आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ओके, और ये क्या होता है। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अगर आप लोग क्लास 7 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर पढ़े होंगे या नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे तो वहां पर हम लोग देखे थे कि जनरली हम लोग का बॉडी में 2 प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है नर्वस कंट्रोल, ठीक है, नर्वस कंट्रोल मतलब जो नर्वस सिस्टम के कारण होता है, और एक होता है केमिकल कंट्रोल, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल मतलब जो केमिकल्स के कारण होता है, ठीक है। अब ये केमिकल्स एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो देखो, ये कुछ ऐसा सब्सटेंसेज है जो हम लोग के बॉडी का डिफरेंट एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा है, ओके, डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। जैसे मान लो हम लोग का बॉडी का ग्रोथ हो गया, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो ये सब को मेंटेन कौन कर रहा है, ये सब केमिकल्स, ठीक है। तो अब देखो, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स द बॉडी थ्रू सब्सटेंसेस कॉल्ड हॉर्मोन्स। तो वो सब्सटेंसेस है क्या, वो है हॉर्मोन्स, ठीक है। तो हॉर्मोन्स वो सब्सटेंस है जो कि हम लोग का बॉडी का वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे हो गया ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजेज है। तो देखो, हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स आर दो सब्सटेंसेज दैट आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या है, तो देखो ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर्स है जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये बहुत सारे हॉर्मोन सिक्रेट करते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हॉर्मोन सिक्रेट करते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही हम लोग टुगेदर एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म द एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। तो अब हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या क्या है, जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी एंड गोनाड्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इस पार्ट में हम लोग थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो देखो, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ना, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड्स मतलब क्या होता है, डक्ट मतलब हुआ कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो ग्लैंड को हेल्प करता है अपना सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गेन में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर ये एक ग्लैंड है, ठीक है, तो ये ग्लैंड के साथ एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसके कारण क्या करता है, ये ग्लैंड उस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के जरिए अपना सिक्रीशंस को ट्रांसपोर्ट करता है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है, दे डोंट हैव दिस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इसका मतलब, अगर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं तो ये लोग ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी अपना सिक्रीट करता है, ठीक है, जो भी हॉर्मोन सिक्रीट करता है, वो सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, ठीक है। मींस दे पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और जैसा कि हम लोग को पता है, ब्लड जो है वो पूरा ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसी ब्लड के जरिए वो जो हॉर्मोन है वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगा, ओके। अच्छा, सेकेंड जो पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है वो है कि इफ द हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड मोर देन द लिमिट, अगर हॉर्मोन्स जो है वो अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए तब उसे हम लोग हाइपर सिक्रीशन कहते हैं, और अगर हॉर्मोन बहुत ही कम सिक्रीट हो, ठीक है, मतलब जितना हमें जरूरत है उससे भी ज्यादा कम अगर सिक्रीट हो, उसे हम लोग हाइपो सिक्रीशन कहते हैं। तो देखो, ये हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन दोनों ही हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंचा सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आपको हर एक ग्लैंड का स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड सिक्रीशन ये ध्यान में रखना है, ठीक है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है और सिक्रीशन क्या है या फिर फंक्शन क्या है। तो देखो, एड्रिनल ग्लैंड जो है दे आर कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ तो जनरली एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो किडनी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक किडनी, पेयर ऑफ किडनीज को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सो दीज आर द पेयर ऑफ किडनीज, तो ये किडनी के ऊपर में ही होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड, ओके। सो एड्रिनल ग्लैंड आर लाइक
कैप अबव ईच किडनी, ये इसका जो स्ट्रक्चर दे आर लाइक कैप, ठीक है। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, और अगर मैं एक एड्रिनल ग्लैंड को ले लूँ तो एड्रिनल ग्लैंड का दो रीजियन है, एक आउटर रीजियन है, ठीक है, आउटर रीजियन को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर रीजियन है जो अंदर में रहता है, ठीक है, उसे हम लोग मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। सो द आउटर रीजन इज कॉल्ड द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला। इसका लोकेशन क्या है, दे आर प्रेजेंट अबव ईच किडनी। एंड अब आ जाते हैं हम लोग सिक्रीशन में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एड्रिनल मेड्यूला जो है वो एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन क्या है, ये हम लोग का बॉडी को प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, इसीलिए इसे हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। मतलब मान लो कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मान लो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, तो उससे हम लोग को क्या होगा, बहुत डर लगेगा। तो जब हम लोग को डर लगता है तो हम लोग का क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया। तो और भी बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रहते हैं जिस टाइम पे ये एड्रिनलिन सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, क्योंकि देखो अगर हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो हम लोग के मसल में ब्लड सप्लाई बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो पाए मसल्स में। अब आ जाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल का काम क्या है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोटीन एंड सुगर को मेंटेन करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोटीन एंड सुगर, देखो मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी रिएक्शंस जो हम लोग के बॉडी के अंदर हो रहा है, जो सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे फैट्स ब्रेकडाउन हो गया, या फैट सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ठीक है, उसके बाद सुगर ब्रेकडाउन हो गया। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, जो सेल के अंदर होता है जो भी रिएक्शंस, उसे रेगुलेट कौन करने में मदद करता है, कॉर्टिसोल, विच इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। सेकेंड ग्लैंड जो हम लोग देख लेंगे वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। अब जनरली देखो ये हम लोग के नेक में प्रेजेंट है, ठीक है, इन द विंड पाइप बिलो द लैरिंग्स, इट इज प्रेजेंट इन द नेक बिलो द लैरिंग्स। ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये हम लोग का नेक है एंड इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। अब देखो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन में आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है, मींस इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म। तो बेसल मेटाबॉलिज्म क्या है, बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब जब हम लोग का बॉडी जो है वो हम लोग का बॉडी का वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करता है एनर्जी का यूज करके, ठीक है, तो उसे हम लोग बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इसे ही मेंटेन करता है ये थायरोक्सिन। अब देखो थायरोक्सिन जो है इट इज एन आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन, कुछ ऐसा समझते हैं, मतलब अगर हम लोग के बॉडी में आयोडीन का डिफिशियंसी हो जाए तो थायरोक्सिन का भी डिफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल अप हो जाता है, ठीक है, और उससे ही एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉइटर, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो हम लोग दो कंडीशन देखेंगे, फर्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जब थायरोक्सिन जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है, देखो हम लोग को पता है थायरोक्सिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, तो अगर थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण रैपिड वेट लॉस भी हो सकता है और रैपिड हार्ट बीट जैसे कंडीशंस हो सकते हैं। तो ये तो था हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट जो है दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अगर थायरोक्सिन सिक्रीट ही ना हो, मतलब थायरोक्सिन बहुत कम सिक्रीट हो या वेरी लेस अमाउंट में, ठीक है, तो उससे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा दैट इज गॉइटर। गॉइटर कैसे हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अगर बॉडी में आयोडीन का कमी हो जाए, आयोडीन हमें प्रॉपर नहीं मिल पाए, उससे क्या होगा, थायरोक्सिन बन नहीं पाएगा और उसी से हम लोग को गॉइटर हो सकता है, ठीक है। सो द थायराइड ग्लैंड स्वेल्स टू फॉर्म अ विजिबल लंप इन द नेक। नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज क्रिएटिनिज्म। तो पीपल विथ क्रिएटिनिज्म हैव डिलेड मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इससे मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। मिक्सिडीमा, इट लीड्स टू मेंटल स्लोनेस एंड डिपोजिशन ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन इन द टिश्यूज अंडर द स्क्रीन, ठीक है। तो इसी से हम लोग थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पैनक्रियास हो गया, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड गोनड्स। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।